कार्नेशन की पहचान ये है, इसकी ये बारीक बारीक ये पत्ते होते हैं, ये है। और इंडियन पिंक भी दिखाती हूँ, चाइनीज पिंक या जापानीज पिंक जिन्हें बोला, ये इंडियन पिंक चाइनीज पिंक ये पेरिनियल वाले होते हैं, और जहाँ पे सर्दी होती है वहाँ तो हमेशा ये बने रहते हैं। और हमारे यहाँ शैलो पॉट में इसे कटिंग इसकी लगा दीजिए तो फिर सालों साल ये चलते रहते हैं। गर्मियों में जैसे ज़्यादा हीट मिलने से कई बार हमारे यहाँ ख़राब भी हो जाते हैं, बट जिन जगहों में एक जैसा मौसम रहता है और जिन जगहों में ठंडा रहता है तो वहाँ ये हमेशा ही बिना खास केयर के चलते रहते हैं। ये कैंडी टफ भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये कैंडी टफ को मिक्स और मैच करके लगाइए तो बहुत ही खूबसूरती ये गार्डन में देता है। एक बहुत ही खूबसूरत पौधा जो अपने गार्डन में, ये जर्मन कैमोमाइल, इसे लगाइए तो फूल तो सुंदर लगते ही हैं और आपको हर्बल टी भी पीने को मिलेगी इसकी। तो छोटे छोटे फूल होते हैं और ढेरों फूल इकट्ठे आते हैं। ये मेरे गार्डन में जिप्सोफिला, जिसे कि बेबीज ब्रेथ भी बोला जाता है, तो इसे आप ग्रो कर सकते हैं। बुक्के में इसके फ्लावर जो हैं इस्तेमाल होते हैं। ये खूबसूरत नेस्टेशियम भी आप लगा सकते हैं। ये सब फ्लावर्स मैंने अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो ये खूबसूरत जो साल्विया देख रहे हैं तो साल्विया को भी आप लगा सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये वर्जीनिया स्टोक, जिसे कि मैंने आपके सामने ग्रो करना सिखाया था, गुच्छों में भरे हुए फ्लावर्स आते हैं, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, ये आपके गार्डन की खूब शो बढ़ाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कई रंगों में जो वर्विना, ये मैंने खुद ग्रो किए हुए हैं, तो अभी ये पूरे खिले नहीं हैं, खिल रहे हैं, तो इन्हें भी आप ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में। ये खूबसूरत जो वेनेडियम, इन्हें ज़रूर ग्रो करें। तो वेनेडियम की तरह एक और मिलता जुलता फ्लावर है, मैं दिखाती हूँ, उसका मुझे नाम नहीं पता पर मैंने उसका नाम अनजाना डेजी रखा है। ये वेनेडियम पूरा हफ्ता भर चलते हैं। ये जो देख रहे हैं वेनेडियम की तरह काफ़ी कुछ दिख रहा है, तो ये 5-6 दिन तक एक फूल चलता है, तो कैलेंडुला की तरह भी दिखता है, बट इसके पत्ते ये देखिए अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग तरह का होता है ये, तो ये बहुत खूबसूरत फूल है। और ये हमारा प्यारा कैलेंडुला, इसे भी आप लगा सकते हैं। और अपने गार्डन में ये खूबसूरत बोगनविलिया तो ज़रूर रखें, ये पूरा साल भर ही खिलता रहता है, और सर्दियों में भी ये देखिए खूब अच्छे से ये खिल रहा है। ये खूबसूरत पैंजी जो मैंने आपके सामने ही ग्रो किए थे, तो पैंजी भी ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में। गेंदा आप कई तरह के लगा सकते हैं, फ्रेंच मैरी गोल्ड भी और दूसरे वाले भी आप लगा सकते हैं, ड्वार्फ वाले भी और लंबी हाइट वाले भी। ये सीड से जो तैयार किए हुए डेलिया बहुत अच्छे लगते हैं, वो कई रंगों में पाए जाते हैं, ज़रूर ग्रो करें। तो अभी ये मेरे गार्डन में क्लार्किया लगे हैं, इनमें खूब सारे बर्ड्स आए हैं पर अभी फूल नहीं खिले हैं, तो इन्हें भी आप ज़रूर लगाएं क्लार्किया को। और पोपी तो ज़रूर लगाएं, छोटे छोटे पॉट में भी एक पौधा हो जाता है, एक बोतल में भी एक पौधा हो जाता है। हाँ, विंटर के टाइम ये जो है लीजी बिजी, सॉरी बिजी लीजी इसे कहते हैं, और इम्पेशंस या फिर इसे बालसम भी कहा जाता है, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया अच्छे प्यारे लगते हैं। तो हमारे यहाँ ये सर्दियों में ही होते हैं और गर्मियों में शायद ये हमारे यहाँ ना चल पाएँ, मर जाएं ये, क्योंकि गल जाते हैं ऐसे पौधे हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है, तो सर्दियों में इसके तैयार प्लांट्स ला सकते हैं आप। कई महीनों तक खिलने वाले जो इसके फूल हैं, डंकीज़ियर, ये ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो करें। छोटी सी बोतल में भी एक प्लांट ग्रो हो जाता है, छोटी सी बोतल में खिल रहे हैं ये फूल। ये सैंड कोरियोप्सिस को भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये जो है वॉलफ्लावर भी आप लगा सकते हैं, ये इस तरह से ये खिल रहा है, पता नहीं मैं धूप में दिखा पा रही होंगे कि नहीं। और ये मेरे गार्डन में लॉक्स पर लगे हैं, अभी इस पे बर्ड्स आए हैं, अभी खिलना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो लॉक्स पर भी इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हैं, इन्हें भी लगा सकते हैं बॉर्डर के तौर पे भी, जहाँ ऐसे ही लगा दीजिए पॉट में, इसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। गुलाब आप कोई भी लगा सकते हैं, ये बटन रोज़ भी सुंदर लगते हैं, आप ये कोरियोप्सिस भी लगा सकते हैं। ये अभी पूरे खिले नहीं हैं, कुछ कुछ खिलना स्टार्ट हुए हैं, तो ये लेडीज लेस भी ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कोई खास केयर नहीं इसकी। तो इस तरह से ये देखिए गार्डन फूलों से भरा हुआ गार्डन ऐसे आ रहा है, लंबे टाइम तक ये फूल जो खिलते ही रहते हैं। ये एमरंथस भी लगा सकते हैं, ये देखा ऐसे,
तो हो सकता है मैं कई सारे फूल भूल चुकी होंगी, मुझे याद नहीं आ रहे होंगे। हिबिस्कस आप ग्रो कर सकते हैं, और आप ये एक नज़र मार लीजिए अगर कोई दिखता है तो। डेलिया पे ये देखिए मधुमक्खियाँ भी कितनी आती हैं। हाँ, मैं ये प्यारा सा कोसमोस तो बताना ही भूल गई, तो ये कई रंगों में येलो और ऑरेंज वाले भी पूरा साल भर लगते हैं, और ये वाले पिंक और वाइट वाले ये मेरे यहाँ विंटर के टाइम ही लगते हैं, अक्टूबर में। एक और ये फ्लावर जो क्रिसेंथिमम के अभी हो चुके हैं, तो इन्हें भी ज़रूर ग्रो करें। ये कई रंगों में पाए जाते हैं और बहुत ही ईजिली तैयार हो जाते हैं, सीड से भी और कटिंग से भी ये लग जाते हैं। तो सीड लगाना चाहते हैं तो फिर सर्दियों के टाइम लगाएं, या फिर अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो प्लांट तैयार हो जाएंगे बट फूल फिर नहीं आएंगे उन पर। तो ये क्योंकि परमानेंट प्लांट है तो फिर आपके तैयार हो सकते हैं, ये हो जाएंगे। तो कोसमोस पे जो मेरे ये सीड भी बनना तैयार हो गए हैं, तो ये इस तरह से लगा सकते हैं आप। तो अभी एक नज़र ये मार लीजिए, हो सकता मैं कुछ भूल भी चुकी होंगी, क्योंकि कुछ अभी खिलने हैं और कुछ खिल चुके हैं। तो वो 78 वाली जो मैंने बोला ना लिस्ट बताई हुई है, तो वो देख लें अपनी पसंद के, फिर आप कोई भी किसी भी तरह के लगा सकते हैं। तो ये कोई फूल आपको अगर याद आए, अगर मैं बताना भूल गई होंगी तो कितने नंबर पे कौन सा है, तो ये मुझे लिख दें, मैं फिर आपको बता दूंगी कि ये वाला फूल है। वैसे तो मुझे जो भी इस टाइम नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये सब बता दिए हैं, पर फिर भी चलो देख लो कोई अद्धा रह गया हो इनमें। तो जो ये कैलन कोई होते हैं, तो रेड वाले तो मेरे यहाँ पेरिनियल होते हैं, बाकी मैंने दूसरे भी हाइब्रिड वाले भी ग्रो किए थे, तो वो मेरे यहाँ जून महीने में मर जाते हैं गल के, तो ये चक्कर रहता है। तो इसलिए मैंने अब यही रेड वाले किए हैं, तो ये छोटे छोटे बोतल में पूरा साल भर ग्रो कर सकते हैं इन्हें आप। तो ये देखा, इस तरह से आप अपना इन फूलों को लगा के ये गार्डन भरा पूरा तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत तेज़ धूप आ रही है, मुझे नहीं पता ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये इस तरह से आप फूल लगा सकते हैं अपने गार्डन में, और ये हमारे मौसम में, यहाँ के मौसम में खूब अच्छे से ये चलते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए, इस तरह से अपने गार्डन को फूलों से भरा बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फूल देख भी लिए, नाम भी जान लिए, और जो आपके पसंद